नमस्ते सभी को और आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। इसमें हम सीताराम गोयल जी की, रामस्वरूप जी की और जितनी वॉइस ऑफ इंडिया की पब्लिकेशंस थी, उनकी जो पुस्तकें थी, उन पर विमर्श करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे शंकर शरण जी के साथ और कुछ अन्य विद्वानों के साथ जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी हैं। तो आज इस श्रृंखला में हम पहली पुस्तक जो ले रहे हैं वो है परवर्शन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्लेंस, और शंकर शरण जी इसमें अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करेंगे। तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके। जी शंकर शरण जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार नीरज जी और आपके दर्शकों श्रोताओं का भी। जी शंकर शरण जी, एक बार ब्रीफली अगर हम दर्शकों को भी बता दें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग वॉइस ऑफ इंडिया से परिचित ना हो, कि सीताराम गोयल जी जो एक बहुत अच्छे इतिहासकार थे, उन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस बनाया था जिसका नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। हालांकि पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं तो एक बहुत बड़ी एक ग्रैंड छवि बनती है, ऐसा नहीं था। लेकिन जब उन्हें लगा कि जो नैरेटिव चल रहा है, जो डोमिनेंट नैरेटिव जिसे हम कहते हैं, वो इस प्रकार का है कि जहां पर झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अपना ही पब्लिशिंग हाउस बनाकर अपनी पुस्तकें प्रकाशित करेंगे। और मेरा ये मानना है कि मैं यदि सेक्युलर से, या ये कह लेंगे बिल्कुल एक भटके हुए लोगों से, थोड़ा सा जिसमें धर्म के प्रति या अपने प्रति चेतना जागृत हुई है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय वॉइस ऑफ इंडिया को, उनके लेखकों को, जिनमें शंकर शरण जी भी हैं, सीताराम गोयल हैं, रामस्वरूप हैं, कॉनराड एल्स्ट हैं, इन्हें जाता है। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि यदि मैं ये जो इन गुरुओं का, इन ऋषियों का जो ऋण है वो चुका पाए हम, तो उसी श्रृंखला में आज हम ये पहली पुस्तक ले रहे हैं। शंकर जी, मैं बहुत ब्रीफ में दिया है परिचय, अगर आप थोड़ा और देना चाहें इसके बारे में तो बताना चाहें तो। पर्याप्त है, मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा युग था जो वास्तव में अभी भी बदला नहीं है, जिसमें कम्युनिज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में और चर्च मिशनों के बारे में, जो भारत में उनकी भूमिका है और विश्व में उनकी भूमिका रही है, इसके बारे में चर्चा करने का, पढ़ाने, जानने का, लिखने का, बोलने का कोई चैनल नहीं था। और दुर्भाग्य से जिन लोगों से सीताराम गोयल जी को अपेक्षा थी कि वो, उनके पास साधन है, वो इसको फैलाएंगे और ये एक स्कॉलर की तरह, इतिहासकार की तरह सिर्फ पुस्तकें लिखेंगे और लोगों से लिखवाएंगे, वो उनकी इच्छा जब पूरी नहीं हुई, जब उनको एक क्या कहूँ, अप्रत्याशित उनको आघात लगा, तब उन्हें लगा कि इससे अच्छा है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि वो स्वयं प्रकाशन शुरू करें। और ये 1980 के लगभग, जब वो 60 वर्ष की आयु लगभग हो चुकी थी उनकी, लगभग नहीं पूरी हो चुकी थी, तब उन्होंने अपने बाल बच्चों को कहा कि अगर आप, तुम लोग इस कारोबार को देखो तो मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन का कार्य है। और यहाँ मैं बड़े दुख के साथ फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगर उन्हें सहयोग मिला होता तो उससे पहले, 1980 से पहले 17 साल तक उन्होंने कोई एकेडमिक काम नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उनके पास साधन नहीं थे और परिवार का लालन, ये पोषण करना था। अगर उनको सहयोग मिला होता तो ये पिछले सत्रह साल भी, 1980 से 17 साल पहले भी, पिछले 17 साल भी वो एकेडमिक काम कर रहे होते, और तब पता नहीं कितना बड़ा काम वो कर जाते, क्योंकि एक स्कॉलर के रूप में उनकी प्रसिद्धि, मैं प्रसिद्धि ही कहूँगा, क्योंकि उस जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, उन्हें मैं 1950, 52, 53, 55 की बात कर रहा हूँ, उसी जमाने में
सीताराम गोयल को नेहरू कैबिनेट के कई लोग जानते थे, इतने बड़े प्रखर विद्वान थे वो। और वैसे विद्वान को 17 साल काम बंद रखना पड़ा, एकेडमिक काम नहीं करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा। और अंततः जब वो कंफर्टेबल स्थिति में आ गए और बच्चे उनके कारोबार संभालने लायक हो गए, तब उन्होंने 1980 में यह प्रकाशन शुरू किया। तो ये बैकग्राउंड मैंने जोड़ना इसलिए जरूरी समझा कि वो स्थिति आज भी नहीं बदली है। ऐसे ज्ञानी विद्वान जो बैठे हुए हैं रिटायर होकर के या बिना रिटायर हुए भी, या बिना जॉब के रादर, उनको कोई सहयोग आज भी नहीं है। सीताराम गोयल जी के जमाने की वो स्थिति आज भी नहीं बदली है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो थी और अभी भी है। सिर्फ ये जोड़ना मैंने उचित समझा। जी जी, शंकर शरण जी, ये जो पुस्तक है परवर्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्लांस, उन्होंने लिखी तो कई दशक पहले है, लेकिन जब इसे पढ़ते हैं तो लगता है कि वो मानो आज की ही बात कर रहे हो। जैसे इसमें जब वो पहले चैप्टर की बात करते हैं, समथिंग सीरियसली रॉन्ग समवेयर, वेरी तो गुड, उसमें वो जो कह रहे हैं कि जो डोमिनेंट नैरेटिव था, अब जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति जिसे आम लोग बहुत प्रबुद्ध मानते हैं, बहुत बुद्धिमान मानते हैं, उनके भी इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था कि वो आरएसएस को अनटचेबल समझते थे, कि आरएसएस यानी कि गुंडे बदमाशों का गिरोह या सरफिरों का विद्रोह, एक गिरोह है जो कि किसी काम का नहीं है। और दूसरी चीज जो मुझे स्ट्राइक करती है इसमें, कि जिस समय उन्होंने भगवा ध्वज को देखा तो उसे वो मराठा साम्राज्य से जोड़ने का प्रयास करते हैं और उससे उनको आत्मीयता नहीं होती है। और आज भी, और मुझे तो लगता है कि आज स्थिति उससे कहीं ज्यादा बदतर हो गई है, कि आज हम हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं भगवा को तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं, तो और ज्यादा स्थिति भयानक हो चुकी है। हाँ मुझे लगता है कि ये सामान्य नियम है पूरी दुनिया में। ये प्रगति के साथ साथ ये ह्रास भी साथ ही साथ होता है। और ये हमारे और दुनिया के भी ज्ञानियों ने कहा है कि प्रगति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक तरफा है। किसी चीज़ में आप प्रगति करते हैं, दूसरी चीज़ में आप अवनति करते हैं। तो आज भारत में, मैं आपसे सहमत हूँ कि आज भारत में विज्ञान तकनीक, यहाँ तक कि गरीबी कम करने में, बहुत चीज़ों में हम आगे बढ़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 50 साल पहले जो भारत था उसके हिसाब से भारत का आज विकास भी हुआ है, उन्नति भी हुई है। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में जो कि ज़्यादा गंभीर क्षेत्र हैं, जिसमें संस्कृति है, शिक्षा है, धर्म है, हमारी ज्ञान परंपरा की चेतना है, उसके प्रति ह्रास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये आपने जो झंडे की बात कही, तो ये झंडा तो एक सिंबॉलिक चीज है। झंडे बदलते रहते हैं, जैसे संविधान शासन तंत्र बदलता रहता है। लेकिन इसके पीछे, प्रतीक के पीछे जो असली बात है वो गुम हो गई है। ये अधिक चिंता की बात है, क्योंकि अब मैंने तिरंगा देखिए, राष्ट्रीय झंडा है, तो राष्ट्रीय झंडा अपने आप में कोई चीज नहीं है। यही राष्ट्रीय झंडा पिछले 75 साल से देश में है, लेकिन इसी झंडे के नीचे बहुत सारे प्रतिगामी काम हुए, हिंदू विरोधी काम हुए, यहाँ तक कि संविधान को भ्रष्ट करने के काम, उनको विकृत करने के काम भी इसी झंडे के नीचे हुए। तो हम झंडे के प्रति निष्ठा बनाएं, और हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो हजारों साल पुरानी सभ्यता है, ये झंडा तो 75 वर्ष पुराना है, लेकिन ये भारतीय सभ्यता तो हजारों वर्ष पुरानी है। हमारी निष्ठा उसके प्रति होनी चाहिए, हमारी चेतना उसके प्रति होनी चाहिए। ये सिर्फ सिंबॉलिक झंडा ऐसा हो या वैसा, ये कोई खास महत्व तो नहीं रखता, ऐसा मुझे लगता है। जी, मैंने मैंने जो बात छेड़ी, एग्जैक्टली मेरा कहने का तात्पर्य भी यही था कि आज हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स देखते हैं, अगर ये वर्टिकल भी रही होती, इन्हीं रंगों की रही होती, तो जिस तरह के गाने बने, जिस तरह का इसको महिमा मंडित किया जाता है, तो हम उससे भी उसी प्रकार जुड़ जाते जैसे आज हम इस झंडे से जुड़े। निश्चय 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 लेकिन लेकिन उससे जो सीरियस विषय है वो ये है कि इसमें जब हरा रंग आया था तो उसका एक उद्देश्य था, जो गांधी जी ने स्पष्ट लिखा है अपने वांग्मय में, उन्होंने लिखा हुआ है और उसी को कॉन्टिन्यू भी किया गया। हालांकि अब इसमें सबसे बड़ी जो विरोधाभास दिखता है वो ये है कि गांधी जी तो एक वो
छलावे के पीछे लगे हुए थे, मिराज को चेज कर रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, जिसके कारण उन्होंने हरा रंग डाला, प्रतीकात्मक रूप से डाला। फिर जब इसको नेशनल फ्लैग चुना जाना था तो नेहरू, क्योंकि स्मार्ट या क्रूवल आप जो मर्जी कह लें उसे, तो उसने इसी को स्पिन कर दिया कि रखूंगा तो मैं हरा झंडा ही, लेकिन उसको उसने प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बता दिया। तो ये जो प्रतीकों के पीछे की कहानी है, जब तक हम उसे सीरियसली नहीं समझेंगे, उसको सीरियसली नहीं लेंगे समाज के रूप में, तो वो कहते ना कि somebody can lead us down the path which goes downhill, तो हमें कोई पकड़ के ले जाता रहेगा और हम उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे, भले ही तिरंगा उठा के चले। और अगर आपने नोटिस किया, PFI का जो डॉक्यूमेंट मिला है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि तुम तिरंगे को, अंबेडकर को और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते रहो और इसके पीछे पीछे इसके आड़ में अपनी कार्रवाई करते रहो। और हमने देखा ये जो शाहीन बाग में बैठे थे, जो CAA का विरोध कर रहे थे, वो सारे के सारे इसी झंडे की आड़ में बैठे हुए थे। देखिए, मुझे लगता है यही ये सबसे बड़ी समस्या है जिसका आपने उल्लेख किया, जो गांधी जी के समय से चल रही है। वे जो काम हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के शत्रुओं को लुभाने के लिए या उनको शांत करने के लिए या उनको फुसलाने के लिए करते हैं, उससे स्वयं हिंदू समाज को अवगत नहीं रखते हैं। हिंदू समाज को वो ठगते हैं। जैसे यही ये रंग, किसी ने उनको कहा गया कि ये तुम्हारे लिए है, और हिंदुओं को कहा गया कि ये हरियाली है, हरी हमारी हरियाली, हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली, तो हिंदुओं को दूसरी बात कही गई। इससे होता यह है कि जो शिकार है, जो मेमना है, जिसके जो आरक्षित है, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसी को नहीं बताया जाता है कि वास्तविकता क्या है। और जो हमलावर है, जो आक्रमणकारी है, जो धर्मांतरणकारी है, जो इस देश के धर्म संस्कृति को बदल करके अपने मतवाद के अनुसार बदलना चाहता है, और वो एक नहीं है, दो तीन प्रकार के, उनको, उनके साथ तो सीधे सीधे सौदाबाजी होती है कि लो भाई, हमने तुम्हारे लिए समाजवाद रख दिया, हमने तुम्हारे लिए यह हरा रंग रख लिया, हमने तुम्हारे लिए वो कर दिया, ये कर दिया। लेकिन हिंदुओं को गफलत में रखा जाता है। ये दोहरा धोखा है। और इस अर्थ में मैं समझता हूँ कि स्थिति पहले से अच्छी तो नहीं हुई है, क्योंकि वो आज भी हो रहा है। जो भी काम होते हैं प्रतीकात्मक, उस प्रतीकात्मक काम के पीछे जो असली सत्य है वो छिप जाता है। जैसे हिंदुओं को उत्साहित रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन ठोस रूप से जो वो कहते हैं उपहार या कंसेशन या बेनिफिट, वो दूसरों को दिए जाते हैं, तो वहां पर प्रतीकात्मकता नहीं होती। उनको नहीं कहा जाता कि आप प्रतीकों में खुश हो जाइए। उनको सॉलिड चीजें दी जाती हैं, उनको ठोस चीजें दी जाती हैं जिसको मापा जा सकता है। और इधर जिसे कुनराड कहते हैं, वो ट्रिंकेट्स झुंझुना थमाया जाता है, तो कभी इस नाम पर कभी उस नाम पर। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आज का विषय नहीं है। हमें उस पुस्तक की थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। जी। और आपने जो वो प्रसंग दिया वो मार्मिक है, जो पहला अध्याय है इस पुस्तक का। बल्कि मैं इस पूरी पुस्तक के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि ये केवल 60 पेज की पुस्तक है। इसको पुस्तक भी नहीं, पुस्तिका कहना चाहिए। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं हर एक राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि अपने देश के जो धार्मिक सांस्कृतिक संगठन है या संस्थान है, सबको मैं ये रिकमेंड करता। और जो मैंने पहले अफसोस व्यक्त किया कि अगर कोई सहयोग करने वाला संस्थान या सत्ता या कुछ होता, तो इस छोटी सी पुस्तिका का हर एक भाषा में अनुवाद करके प्रबुद्ध देशवासियों को, जागरूक देशवासियों तक पहुंचाया जाना चाहिए था। ये छोटी सी 60 पेज की पुस्तिका एक बड़ी गंभीर चीज पर उंगली रखती है, जिस पर मेरी अपनी जानकारी में कोई दूसरी पुस्तक तो क्या पुस्तिका भी नहीं है देश में। और ये जो JP वाला प्रसंग है, वास्तव में ये उसकी पीठिका है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये घटना 1959 की है, जब सीताराम गोयल उनके, जयप्रकाश नारायण के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। मामूली, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि उनकी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि उनको जहां तहां नौकरी करके अपना जीवन यापन करना पड़ता था,
तो कलकत्ता से आने के बाद उन्होंने जिस तरह की जो नौकरियां की, उसमें एक नौकरी यह भी थी कि जिस कोऑपरेटिव के साथ उनका उनको नौकरी मिली थी, उसने उनको जेपी को लोन दिया कि आप ठीक है, उनको जरूरत थी। और वो बड़े जानकार थे, स्कॉलर थे, बड़े फ्रीडम स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू तक उनका आदर करते थे, क्योंकि एक तरह से वो उनसे अगर जूनियर नहीं थे तो ये सीनियर नहीं थे तो जूनियर भी नहीं थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति आरएसएस के बारे में वो हिंदू फासिस्ट, हिंदू सांप्रदायिक और घृणित भाव रखता है, और ये जान करके सीताराम गोयल ने उनको एक तरह से सुधारने की कोशिश की और उसमें वो सफल हुए। और तभी उन्होंने जो उनसे संवाद है वो संवाद पढ़ने लायक है कि उन्होंने उनको क्वेश्चन किया कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो कुछ जेपी का भाव ऐसा था कि इसमें जानने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसा है ही। तब इन्होंने एक सधी हुई, जो क्योंकि विद्वान तो थे ही, इन्होंने सधी हुई शब्दावली में उनको यह समझाने की कोशिश की कि आपके जैसा व्यक्ति जिसकी बात पूरा देश सुनता है, जो हजारों लाखों लोगों पर प्रभाव डालता है, अगर वो व्यक्ति इतना अज्ञान में रह करके किसी भी एक ऐसे संगठन के बारे में अन्यायपूर्ण और अनुचित रुख रखे तो ये कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी है। और जेपी को झटका लगा, और तब वो इन्हीं के कहने से, जेपी के कहने से वो आरएसएस के किसी कैंप में गए, क्योंकि घटना वही थी, आरएसएस के ही किसी व्यक्ति ने इनको कहा था कि जेपी को वो ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये आरएसएस वालों की पुरानी क्या कहा जाए कमजोरी है कि वो बड़े और प्रतिष्ठित लोगों को अपने साथ या उनके साथ दिखना चाहते हैं, उनको लगता है कि इससे उनको सम्मान मिल जाएगा। एनीवेज उन्होंने जेपी को बुलाने की कोशिश की और सीताराम गोयल को कहा कि आप उनको लाइए। और जब उन्होंने ये बात कही तो सीताराम गोयल ने ऐसा मुंह बनाया जैसे ये उनके लिए बड़े अपमान की बात है कि उनको ऐसा कहने का साहस कैसे हुआ। जेपी ने मुंह बना, हाँ, कि वो इतना घृणित और इतना बदनाम संगठन और वहां तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। तब सीताराम गोयल ने उनको क्वेश्चन किया और दो टूक उनको ये समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश की कि आप पूरी तरह ज्ञान में रह करके ऐसा ओपिनियन बनाने का आपको क्या अधिकार है, और इससे आप पूरे देश को और पूरे समाज को भी गुमराह करेंगे। जब जेपी को बात लगी, चुभी, तब वो वहां गए और फिर जो हुआ उसका इसमें वर्णन है। तो ये जो है ना, समथिंग इज वेरी रॉन्ग, तो ये घटना 1959 से वो सोचते रहे। और ये बात नोट करने की है, और सीताराम गोयल जी की महानता भी यह दर्शाती है कि ये छोटी सी पुस्तिका, 60 पन्ने की ये पुस्तिका, उन्होंने 59 से वो इस प्रश्न पर सोचते रहे कि गड़बड़ी कहाँ है, कैसे ऐसा हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, देश दुनिया को जाना हुआ व्यक्ति, अपने ही धर्म समाज के एक संगठन के बारे में इतनी गलत राय, इतनी अनुचित राय, अनफाउंडेड, निराधार राय कैसे बना के रखता है। और इस पर वो सोचते रहे, और उसके परिणाम स्वरूप ये पुस्तिका 1984 में लिखी। मतलब 24 वर्ष तक वो इस विषय पर सोचते रहे कि ऐसा क्यों है और कैसे है। और तब वो इस निष्कर्ष पर आए कि ये जो राजनीति की भाषा है, पॉलिटिकल पार्लांस, राजनीति के जो मुहावरे हैं, वो इतनी पावरफुल चीज है कि अगर किसी ने झूठी बात भी गढ़कर लगातार उसको प्रचारित की, जिसको उन्होंने एक काव्यमय भाषा में कहा है कि अगर लगातार कीचड़ किसी पर उछाली जाए और अगर वो तुरंत साफ ना किया जाए तो कुछ ना कुछ मिट्टी उस पर लगी रह जाएगी। तो वही वो कहते हैं कि ये जो भाषा भारत में पिछले वो उस समय से, वो आगे अगले अध्याय में वो इसका एक छोटा सा इतिहास भी देते हैं कि कैसे भारत की राजनीतिक भाषा ये 1857 से वो शुरू करते हैं और उसको लाते हुए यहाँ तक पहुँचाते हैं, ये जब तक वो लिख रहे हैं तो लगभग 100 साल से अधिक भारत में राजनीतिक जो विमर्श की भाषा है, राजनीतिक चर्चा की भाषा है, इसके मुहावरे किस तरह से बदले, उसका उन्होंने एक छोटा सा इतिहास भी लिखा है। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से एक धीरे धीरे हिंदू विरोधी, भारत विरोधी शब्दावली और अवधारणाएं भारत के राजनीतिक पूरे विमर्श में, शिक्षा में इतनी व्यापक रूप से घर कर गई कि बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, जेपी जैसा व्यक्ति भी और उसके उनके जैसे हजारों व्यक्ति
बिना जांचे परखे कुछ मुहावरों को स्वीकार कर लेते हैं, और उन मुहावरों के पीछे जो अवधारणा है, जो हिंदू विरोधी भाव है, जो कुटिलता है, उसको भी वो आत्मसात कर लेते हैं इनोसेंटली। और इसीलिए उन्होंने इतना इस पुस्तिका को लिखा, इस पुस्तिका को लिखा जिसमें उन्होंने उन शब्दावलियों की चर्चा की है, उसका इतिहास दिया है, उसकी विडंबना दी है, उसका क्या कुटिल प्रभाव भारत की राजनीति में और शिक्षा में और विचार विमर्श में पड़ा है उसको बताया है, और किस तरह से गांधी जी के समय से अभी तक जिन लोगों को उसको समझ करके उसका इलाज करना चाहिए था, उसको सुधारना चाहिए था, उसके प्रति देश को सावधान करना चाहिए था, उसके बदले उनके ही अनुयायियों ने और सारे लोगों ने, जिसमें ये लोग भी आज के जो डोमिनेंट पॉलिटिकल लोग हैं वो भी हैं, कैसे उन्होंने उसी को आत्मसात कर लिया है। और ये एक ऐसी, जिसको कहते हैं थैंकलेस सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है विडंबनापूर्ण, कि इसका कोई प्रतिकार करने के लिए संगठन, मंच, साधन और या प्रोत्साहन कहीं से नहीं है, जिसका ये प्रमाण है। यह छोटी सी पुस्तिका इसको जो उसको मैं कहता हूँ कि अपने विषय पर अकेली है भारत में, कम से कम मेरी जानकारी में ऐसी कोई पुस्तिका या पुस्तक नहीं है कि भारत में जो राजनीतिक शब्दावली है, पॉलिटिकल मुहावरे हैं, इसका इतिहास क्या है। मैं समझता हूँ कि इस पर कोई आर्टिकल भी मिलना मुश्किल है, और ये 60 पृष्ठों की जो ठसा ठस भरी हुई ये गंभीर पुस्तिका है, इसके बारे में लोग जानते तक नहीं है, अंग्रेजी में होने के बावजूद इसको अंग्रेजी भाषी एलीट इंटेलेक्चुअल भी नहीं जानता, बाकी देशवासियों की क्या बात है। तो ये हमारी स्थिति है, और ये मैं इस पुस्तक की महत्ता के बारे में और इसके महत्व और इसकी जरूरत के बारे में मैं इतना कहना चाहता था। जी हेलो, क्षमा कीजिए, इसका जो दूसरा चैप्टर है शंकर शरण जी, जी जी वर्ड्स विच डिफाई डिक्शनरी, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज भी, वैसे तो सारे शब्द वैसे के वैसे हैं, लेकिन जब सेक्युलर की उन्होंने डेफिनेशन बताई है, उसमें उन्होंने 3 सेक्शंस दिए हैं, 5 पॉइंट है, फिर 7 पॉइंट है, फिर 7 पॉइंट है, वो इतने सटीक हैं कि आज भी हैरानी होती है कि जो हम सोचते हैं कि मन में तो आती है ये बात, लेकिन उन्होंने कितनी सुंदर ढंग से उन्हीं को व्यक्त कर दिया, और बिल्कुल वास्तु स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं चाहता हूँ दर्शकों के साथ अगर हम शेयर कर सकें तो। हाँ, मैं उसकी चर्चा करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उसका भी उल्लेख कर देना चाहिए कि जो अन्य शब्दावलियां जो उन्होंने बताई जो आज भी चल रही है कम या बेसी, जैसे वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये सबसे प्रचलित शब्दावली है, लेकिन उन्होंने उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न उठाया है कि वाम या दक्षिण तो किसी रेफरेंस से होगा, है ना, आखिर किसी को आप लेफ्ट कहते हैं और किसी को राइट कहते हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि वो सेंटर किधर है, वेयर इज द सेंटर डिफाइंड। तो अंटिल आप सेंटर को डिफाइन करें तो वामपंथ और दक्षिणपंथ का कुछ अर्थ नहीं समझ में आता। तो इसी तरह प्रगतिशील प्रतिक्रियावादी, प्रोग्रेसिव एंड रिएक्शनरी, या रिवोल्यूशनरी और ये पुनरुत्थानवादी, क्रांतिकारी और पुनरुत्थानवादी, लेकिन क्रांति अपने आप में कोई पॉजिटिव चीज हमेशा नहीं होती है, हानिकारक क्रांतियां भी होती हैं। खुमैनी की भी क्रांति हुई थी, लेनिन की भी क्रांति हुई थी, माओ की भी क्रांति हुई थी, और ये अभी सीरिया में क्रांति हुई है, अफगानिस्तान में क्रांति हुई है, लेकिन ये सभी हानिकारक क्रांतियां हैं, लेकिन क्रांति शब्द को ही एक पॉजिटिव टर्म मिल गया। तो और जो पुनरुत्थानवादी है उसको एक निगेटिव अर्थ मिल गया। उसी तरह समाजवादी, पूंजीवादी, डेमोक्रेटिक और फासिस्ट, और उसी में एक ये सेट है जिस पर आपने उल्लेख किया, सेकुलर बनाम कम्युनल। तो सेकुलर का तो भारत में उन्होंने इस पर एक अलग से पुस्तिका भी लिखी है, सेकुलरिज्म राष्ट्रद्रोह का दूसरा नाम, और वो भी एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है जिसको उन्होंने स्वयं हिंदी में भी तैयार किया था, अंग्रेजी में लिखा था फिर उसको हिंदी में भी तैयार किया। इसका मतलब ये है कि वो उसको भी महत्वपूर्ण समझते थे। तो उस अर्थ में आपकी बात ठीक है कि सबसे महत्वपूर्ण जो शब्दावली है वह सेकुलर और कम्युनल की भी है। तो सेकुलर का जो डिक्शनरी अर्थ है, और जो वह कहते भी हैं, उसमें लिखा भी है कि बहुत से शब्द जो हमारे यहाँ चल रहे हैं वो सिर्फ भारत में ही चलते हैं अंग्रेजी में होने के बावजूद,
पूरे अंग्रेजी विश्व में उस शब्द को कोई नहीं जानता। जैसे यही सेकुलर, अगर आप इंग्लैंड में या अमेरिका में कनाडा में कहेंगे कि ये सेकुलर पार्टी है तो कोई कोई आदमी नहीं समझेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि सेकुलर का वहाँ अर्थ वही है जो डिक्शनरी में है कि जो भी सामाजिक चीज़ है, जो भी दुनियावी चीज़ है वो सेकुलर है। तो दुनियावी चीज़ है तो पार्टियों को सेकुलर करने का क्या मतलब, हो तो दुनिया की चीज़ है ही। सेकुलर सेकुलर का उल्टा वहाँ कम्युनल नहीं है, सेकुलर का उल्टा वहाँ है डिवाइन, चर्च, रिलीजियस। तो रिलीजियस वर्सेस सेकुलर है वहाँ, यहाँ सेकुलर बनाम कम्युनल हो गया, और यहाँ फिर कम्युनल का भी अर्थ बिगड़ गया है। कम्युनल एक अच्छा शब्द होता था, और ये 100 साल पहले तक बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हाँ 100 साल रफली सब लोग 100 साल पहले तक कम्युनल का वही मतलब था जो डिक्शनरी में है, जो इंग्लैंड अमेरिका में आज भी है, मतलब कम्युनिटी रिलेटेड। तो कम्युनिटी रिलेटेड चीज़ का मतलब है अच्छी चीज़ है, जैसे कम्युनल किचन, वो गांधी जी की आत्मकथा में वर्ड मिलता है कम्युनल किचन, मतलब सब लोगों का किचन, 50 लोग या 100 लोगों का शिविर है तो सबका एक किचन बना हुआ है तो उसको कम्युनल किचन कहा गया। तो कम्युनल वाज ए गुड वर्ड, लेकिन इसको भारत में एक नकारात्मक अर्थ दिया गया। तो न तो सेकुलर का यहाँ वो अर्थ है जो कि ओरिजिनल यूरोप अमेरिका में जो उसका अर्थ है, न कम्युनल का वो अर्थ है जो यूरोप अमेरिका में है, मतलब दोनों अंग्रेजी शब्द हैं। तो ये गोयल जी ने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्लांस चला है, और जिसको नेहरूवादी सत्ता के कारण पहले 17 साल के स्वतंत्र भारत में जो इसका फॉर्मेटिव काल था, पर इसको फाउंडेशनल इसको पीरियड कहते हैं, उसमें ये पूरा जहर शिक्षा में, विचार विमर्श में, मीडिया में, और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट में, पार्लियामेंट में, और सारी पॉलिटिकल पार्टी में ये अपने आप आ गया। और इस जहर से हम आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। और ये सेकुलर कम्युनल सबसे फंडामेंटल है कि जिन जिन पार्टियों के खिलाफ, जिन समुदायों के खिलाफ, जिन तत्वों के खिलाफ इन मुहावरों का प्रयोग किया गया, उन्होंने भी इससे लड़ने की बजाय अपने को सही सेकुलर, अच्छा सेकुलर, आदर्श सेकुलर बताने की कोशिश की, और जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि जिन कदमों को वापस लिया जाना चाहिए था, जिन संशोधनों को ख़त्म किया जाना चाहिए था, हिंदुओं के विरुद्ध जो डिप्राइवेशंस हैं, जिसको कम्युनल संविधान को विकृत करके किया गया, मतलब वो मूल संविधान में भी नहीं था, उसको हटाना चाहिए था। उसको हटाने के बदले आज के जो पावरफुल लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो और भी बढ़िया कर रहे हैं, मतलब जो दूसरों ने, पिछले वालों ने किया था, हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं। और उनके बड़े जिम्मेदार पद के लोग बाकायदा डाटा दे करके कह रहे हैं कि हमने ये माइनॉरिटीज़ के लिए इतना किया जो कि पिछले लोगों ने नहीं किया था। तो ये सेकुलरिज्म को आत्मसात कर लेने का परिणाम है कि उन्होंने सेकुलरिज्म की एंटी हिंदू या एंटी इंडिया जो भावना थी उसकी, जिसके कारण उसको इतना जमाया गया। और इसका सबसे सुंदर और सीधा प्रमाण यह है कि जो लोग आपस में विरोधी हैं दुनिया के मंच पर और भारत में भी, जैसे इस्लामिस्ट, कम्युनिस्ट और चर्च मिशनरी, ये तीनों दुनिया में कहीं भी इकट्ठे फ्रेंडली नहीं है, किंतु भारत में है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का निशाना हिंदू समाज है, और ये तीनों ही सेकुलर शब्द को सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये इसको कहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरह साफ है कि सेकुलर का यहाँ अर्थ हिंदू विरोधी कर दिया गया, और इसीलिए यूरोप अमेरिका में जो सेकुलर का अर्थ है वो यहाँ पर नहीं चलता, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर होती है। ये भारत के अलावा किसी देश में इसका कोई अर्थ किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो दुनिया की चीज़ है ही, वो तो बाय डेफिनेशन सेकुलर एक्टिविटी है। लेकिन सेकुलर एक्टिविटी का मतलब जो भारत में बना दिया गया वो एक विकृति थी, और वो हिंदू विरोधी एक उसमें विष है। उस विष को दूर करने के बजाय, उस शब्द को ही हटाने के बजाय, कोई नया शब्द लाने के बजाय जिसमें कि सभी की बराबरी सुनिश्चित हो, जो संविधान का भी भाव है और जो मानवता भी चाहती है, जो आम हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सभी चाहते भी हैं और मानते भी हैं, उनकी भावना भी है कि सब लोग समान हैं, उसको रखने वाला कोई शब्द इस्तेमाल करने के बजाय इस लोडेड पॉइजनस शब्द को न केवल चलाया जा रहा है बल्कि उस पर गर्व किया जा रहा है। तो ये
कोयल जी ने जो लिखा था 1900 आज से 38 वर्ष पहले, वो आज तक उसी तरह चल रहा है कि उसकी शक्ति, पॉलिटिकल पार्लांस की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वह जिनके खिलाफ है वो भी उससे दबता है, उसका सम्मान करता है और उससे लड़ने का साहस नहीं करता। तो ये शब्दों की शक्ति है और लगे हाथों ये इस ये उनके लिए भी एक चेतावनी है जो समझते हैं कि पढ़ना लिखना, किताब और विचार, ये सब जो काम है वो सेकेंडरी है और असली काम जमीन पर काम करना है। तो जमीन पर कैसे काम होता है उसका ये प्रमाण है कि आप आपने अगर इन शब्दों को, इन मुहावरों को ठीक से नहीं समझा, इसके इतिहास को नहीं जाना और ये क्या भूमिका निभा रहे हैं इसको नहीं समझा, तो आप अनजाने अपनी पूरी शक्ति, पूरे जमीनी काम को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और ये उसका एक प्रमाण है। जी, जो इन्होंने 5 पॉइंट्स दिए थे अगर हम शेयर कर दें एक बार। जी जी अवश्य, असल मेरे पास पुस्तक नहीं है इसलिए मैं उस पॉइंट्स को नहीं पढ़ पाया। जी, मैं सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो हमारे देश में सेक्युलर शब्द चलता है, कि हर कोई वो व्यक्ति जो अपने आप को सेक्युलर कहलाना चाहता है, उसके लिए 5 बिंदु दिए उन्होंने कि उनको ये इस पे दृढ़ता से विश्वास करना होगा कि जैसी स्वतंत्रता आई उसके बाद जो मुसलमान है वो गरीब और परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हो गए हैं इस देश के अंदर। दूसरा है कि जो मुसलमान है उनको जो ओवरऑल जो विकास हो रहा है उसके अंदर उनकी भागीदारी नहीं है, उनका हिस्सा उन्हें नहीं मिल रहा है। तीसरा है कि मुसलमान जो है उनका मजहब और उनका जो कल्चर है उसे पब्लिक लाइफ में और मीडिया में जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस तरह का एक्सप्रेशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। और चौथा पॉइंट दिया है कि उन्हें अपनी जनसंख्या के अनुपात से जितनी नौकरियां मिलनी चाहिए थी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, वो नहीं मिल रही है। और के जो preponderance of Hindus in the security forces puts in grave peril the lives, honor and properties of Muslims, के जो security forces हैं, इनफैक्ट शायद यहाँ हम इसको law enforcement agencies भी कह सकते हैं, उसमें जो हिंदुओं की संख्या है वो मुसलमानों के जीवन के लिए, उनकी property के लिए एक खतरा है। और ये आज तक 38-40 साल से वैसे ही चला आ रहा है। आप देखिए कि ये पांचों जो बिंदु हैं इसकी निष्पत्ति क्या है। इसकी निष्पत्ति ये है कि जो नॉन मुस्लिम है, मतलब हिंदू है, वो इसके जिम्मेदार है। अर्थात वो कुछ भी करें, उदाहरण के लिए वो आधुनिक शिक्षा में भाग ना लें, वो मदरसों में डूबे रहें, वो जिहादी एक्टिविटियों में लगे रहें, वो दिन रात तबलीग का काम करें, लेकिन चूंकि वो सरकारी नौकरियों के लिए या आधुनिक शिक्षा के लिए, आधुनिक विज्ञान या साहित्य कला इन सब में चूंकि वो भाग ही नहीं लेते, लेकिन इसलिए वो उसमें नहीं है। लेकिन चूंकि वो इसलिए उसमें नहीं है, इसको इग्नोर करके इसको दिखाया ये जाता है कि ये हिंदुओं के कारण हो रहा है। तो ये पांचों बिंदु अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं और इस रूप में उन पर एक मानसिक दबाव डालते हैं कि आप वो कुछ भी करें, आपको हर हालत में अपनी मेहनत से कमाई हुई अपनी चीज उनको देते रहनी है। और इसका परिणाम एक बार भारत भोग चुका फिर भी वो स्थिति है। यही तर्क विभाजन से पूर्व दिया जाता था मुस्लिम लीग के द्वारा। 1906 से भी जो मोरले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, उस समय से कि उनको उचित हिस्सा दिया जाए, फिर हुआ कि नहीं उनको ज्यादा हिस्सा दिया जाए क्योंकि उनका महत्व ज्यादा है, मतलब जितना प्रोपोर्शन है उतना ही नहीं, जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं वो भी नहीं है क्योंकि तो हमारा इम्पोर्टेंस ज्यादा है इसलिए हमें और भी ज्यादा होने चाहिए, यह भी स्वीकार किया गया। और जिसको श्री अरविंदो ने कहा था कि कांग्रेस का यह ब्लंडर है, तिलक का यह ब्लंडर है, लेकिन इसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं हुए। तो ये मोटी सी बात है कि उनकी संतुष्टि इससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन चूंकि सेकुलरिज्म के नाम पर पूरे हिंदू समाज को, हिंदू शिक्षित वर्ग को ही गिल्ट में डाला गया, इसीलिए ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं और ठसक से चल रही हैं। यहाँ तक कि वे लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने इसका विरोध करके अपनी राजनीतिक जमीन फैलाई थी, और अब जब वो सर्वशक्तिमान हो गए
वो उसी सेकुलरिज्म को फैला रहे हैं और उनको विशेष सुविधाएं, विशेष तरजीह दे करके ये सारी जो जिसको वो इम्बेलेंस कहते हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तव में हिंदुओं के विरुद्ध उपयोग होने वाला है। क्योंकि इसके लिए सारे मुसलमानों को जिहादी होना ज़रूरी नहीं है, वो दो दो 3% मुसलमान ये सारा काम कर लेंगे, जो कि विभाजन भी हुआ था। विभाजन के लिए ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान आंदोलन कर रहे थे, तिब्बत नेताओं ने वो आंदोलन किया था और इसी तरह की दलीलें दी थी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है तो अन्याय हो सकता है, इसके लिए हमें सेफ गार्ड्स चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और आज स्थिति यह है कि कोई मुस्लिम लीडरशिप ये सब डिमांड नहीं कर रही है, इसके बावजूद बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारी हिंदुओं की पार्टी हैं, सारी हिंदुओं से भरी हुई हैं, वो आपस में कंपटीशन कर रही हैं कि हम कौन कितना अधिक से अधिक हिंदुओं को डिप्राइव करके और दूसरों को बढ़ा सकता है। तो ये स्थिति जैसे आपने शुरू में कहा पहले से भी बुरी लगती है, क्योंकि अब इसकी चिंता करने वाला, इस पर कंप्लेन करने वाला, इसको रिड्रेस करने वाला, इसका समाधान करने वाला कोई दल या कोई समूह या कोई गुट या कोई संस्थान नहीं है जहाँ पर कि इसकी शिकायत ले जा सके, क्योंकि वो सारी जगहें कब्जा की जा चुकी हैं उनके द्वारा जो अपने आप को सच्चा सेकुलर कहते हैं, अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते। ऐसे ही जो इसी से अगला सेक्शन है उसमें उन्होंने बात की है कि हर कोई पॉलिटिशियन या क्लर्क या जो ब्यूरोक्रेट है, एवरी हिंदू पॉलिटिशियन और पेन पुशर हु एस्पायर्स टू पास द टेस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हैज टू, पहला पॉइंट आता है प्रोक्लेम दैट इस्लाम स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी एंड ह्यूमन ब्रदरहुड। अब आज भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, सारे खड़े हो के वो राजनेता हैं या ब्यूरोक्रेट हैं जो भी हैं, उन्हें ये झक मार के वो बोलते हैं या बोलना पड़ता है कि इस्लाम जो है वो इक्वालिटी और ह्यूमन ब्रदरहुड के लिए स्टैंड करता है। हालांकि इसमें जो सबसे मुझे जो हास्यास्पद लगता है कि इनमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा सम्मान करते हैं, और उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस्लाम की वास्तविकता बताई है वो कहते हुए इनकी घिग्गी बन जाती है। देखिए ये भी अम्बेडकर को भी जो ये देवता का स्वरूप दिया गया है ये हाल की चीज है, 1980 के बाद है। स्वयं जब अम्बेडकर जीवित थे तो वो सिर्फ जैसे प्रथम श्रेणी के जो 10-15 नेता थे उसमें वन ऑफ देम थे, उनका कोई भगवान जैसा रूप नहीं था, सो मच सो कि वो एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए, उनको सभी लोग हरा देते थे। इसका मतलब है कि उनको उनके लिए उतना वोट उतना समर्थन नहीं था, लेकिन यही है कि ये भी उसी का रूप है, ट्रिंकेट्स, झुंझुना, फोटो, हवाई बातें। हम अम्बेडकर को भी हवाई रूप से भुनाया जाता है। अम्बेडकर ने जो गंभीर बातें कही थी जो सबसे ज्यादा देश हित में है और हिंदुओं के हित में है विशेषकर, वो ज्यादा नहीं है लेकिन जितनी है वो बड़ी गंभीर है और उस जमाने में कही गई थी जिस जमाने में भारत क्या पूरी दुनिया में उतनी स्पष्टता से इस्लाम की एनालिसिस करने वाला कोई नहीं, बहुत कम लोग थे उस जमाने में। उन्होंने उस भाषा में और उतनी विद्वता से उसका विश्लेषण किया कि स्वयं जिन्ना जिन्ना भी उसका सम्मान करते थे उस पुस्तक को, जिस पुस्तक में उन्होंने इस्लाम की आलोचना लिखी जी, उसको इस ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया था कि स्वयं जिन्ना ने गांधी को कहा कि आप उसको पढ़िए, उन्होंने अपने उद्देश्य से कहा होगा, लेकिन मैं इस रूप में देखता हूं कि उन्होंने उस भाषा में और उस तेवर में उसको रखा था कि इस्लाम की बड़ी कठोर और प्रमाणिक आलोचना होने के बावजूद स्वयं इस्लामी नेता अंबेडकर का सम्मान करते थे और उसका भी हम उपयोग नहीं कर पाए। अंबेडकर को दैवी जो आज छवि दे दी गई है अंबेडकर के नाम से, उस सारे इस्लाम की आलोचना वाले पाठों को हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को नहीं वो युवाओं को पढ़ा सकते हैं, मीडिया के लोगों को पढ़ा सकते हैं, पत्रकारिता में पढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि जो अफसरों की ट्रेनिंग होती है जहाँ पुलिस के अफसरों की या प्रशासनिक अफसरों की, वहाँ उसको डाल सकते हैं। अंबेडकर के होने के कारण कोई उसको उस पर आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन हम वो नहीं कर पाना चाहते क्योंकि जैसा आपने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब ही हो गया है कि आपको हर हालत में एंटी हिंदू और प्रो इस्लामिक होना चाहिए, होना है, और इसमें फैक्ट आर्गुमेंट डिटेल हिस्ट्री कुछ भी मैटर नहीं करता, आपको वैसे ही तर्क देने हैं जो कि प्रो इस्लामिक और एंटी हिंदू।
आपको वैसे ही डाटा इस्तेमाल करने हैं जो कि मुसलमानों को पीड़ित और हिंदुओं को उत्पीड़क बताते हो, आपको वैसी ही लेखकों की चर्चा करनी है जो कि हिंदुओं को या हिंदू धर्म को पिछड़ा, दकियानुसी और जातिवादी बताता हो, और उन्हीं को सम्मान मिलेगा, उन्हीं को पुरस्कार मिलेंगे, उन्हीं को पद मिलेंगे। तो ये सेकुलरिज्म के नाम पर ही इस देश में हुआ है और इंक्रीजिंगली हुआ है। ये मैं तो समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो आज हो रही हैं ये नेहरू जी के लिए भी अकल्पनीय होती। नेहरू जी में भी ऐसी भावना नहीं थी, वो प्रो इस्लामिस्ट थे, वो उनको हिंदू धर्म से कोई प्रेम नहीं था बल्कि वितृष्णा थी, ये सब ठीक है, लेकिन वो हिंदुओं और मुसलमानों को हर चीज़ में अलग कर दें और कानूनी रूप से एक को वंचित और एक को विशेषाधिकारी बनाएं, मैं समझता हूँ कि ये नेहरू इंदिरा तक ये भावना नहीं थी कांग्रेस लीडरशिप में, लेकिन ये उस पॉलिटिकल पार्लांस के दबदबे का और उसको जो वामपंथियों ने जम के प्रचार दिया और फिर मिशनरियों ने दिया, फिर इस्लामिस्टों ने जो उसका उपयोग किया, तो इस संवेद शक्ति से उस भाषा का की का ऐसा दबदबा हो गया कि उसका उपयोग करके, उसका नाम लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे माइनॉरिटी, उसमें माइनॉरिटी वर्ड नहीं है तो गोयल जी की पुस्तक में, लेकिन माइनॉरिटी भी एक वैसा ही शब्द हो गया है, एक मैजिक वर्ड, कि जैसे ही माइनॉरिटी आपने कहा उसके अधीन आप कोई भी फाइल चला सकते हैं, वो पास हो जाएगी। और एक दिवंगत नेता जो अभी तक कैबिनेट मंत्री थे इस वर्तमान समय में भी, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई एप्लीकेशन है वो माइनॉरिटी का तो उसको तुम बिना देखे एक्सेप्ट कर लो, कानून वानून मैं देख लूंगा, ये उन्होंने बयान दिया था। अच्छा, तो अफसरों को दोष देना व्यर्थ है, अफसर लोग तो नौकर हैं, उनको तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है वही उनका, उसी का उनको पालन करना है। इक्का दुक्का अफसर टाल मटोल कर सकता है, उसको 2 मिनट में हटाया जा सकता है, दूसरे आ सकते हैं, जो रोज होता है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को दोष देना, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तक कि जुडिशरी को दोष देना भी व्यर्थ है, क्योंकि जुडिशरी के पास भी असली डंडा नहीं है, असली रिसोर्स नहीं है, असली रिसोर्स केवल एग्जीक्यूटिव के पास है और बाकी सभी लोग उसके अधीन या उसके अनुसार चलने के लिए विवश है, चाहे या अनचाहे, वो भाषण चाहे तो दे ले, चाहे वो हमारे सांसद हो या कि न्यायाधीश हो, वो भाषण दे सकते हैं, लेकिन असली शक्ति उनके हाथ में नहीं है। असली शक्ति जहाँ है, अगर वहाँ पर इन चीज़ों को सुधारने पर विचार नहीं हुआ, तो हम ये इस तरह की जितनी चर्चाएं इक्की दुक्की होती ही रहें, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा आपने स्वयं देखा कि अंबेडकर जो बातें कह के चले गए तो वो ऐसी की वैसी रखी रही, सीताराम गोयल जो बातें कह के चले गए वो वैसी की वैसी रखी रही, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि प्रभाव पड़ने के लिए आवश्यक है कि पॉलिटिकल क्लास थ्रू स्टेट पावर उस न्यायी चीज़ को, उस उचित चीज़ को लागू करने की कोशिश करे। अगर वहाँ उल्टा होता रहेगा तो ये सारे विचार विमर्श सिर्फ, जिसको कहते हैं कि वो बैठे ठाले है, वाग विलास है, 150,000,00,000 लोगों तक ये बात पहुँचेगी, लेकिन करोड़ों लोग उसी से दुष्प्रभावित होंगे जो सत्ता के माध्यम से आएगी, जो पावर के माध्यम से आएगी, जो इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से आएगी, जो मीडिया के माध्यम से आएगी, और वो दिन रात वही कह रही है। जो अभी भी हाल की जो घटनाएं भी हुई हैं, जो पीड़ित है उसी को सब दंडित कर रहे हैं, और जो उत्पीड़क है वहाँ पर कोई नहीं रहता कि भाई कानून की विधि है, कानून की एक प्रक्रिया है, कानून को अपना काम करने दो। नहीं, अगर मामला इस्लाम का है और एंटी हिंदुइज्म का है तो कानून की भी परवाह नहीं करनी। तो ये इस देश में इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्लांस की ताकत ही है। एक एक राजनीतिक भाषा इतनी जबरदस्त है, और मैं समझता हूँ कि जो 6-7 सेट सीताराम गोयल ने दिए थे, अब उसमें और जोड़े जा सकते हैं जो पिछले 30 सालों में विकसित हुए हैं, जैसे यही माइनॉरिटी, इंक्लूसिवनेस और इस तरह की चीज़ें, मल्टीकल्चरलिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म, ये शब्द नहीं थे पहले, ये सब शब्द पहले नहीं थे, लेकिन इन सब का भी भाव वही है, और सबके अंत, सबके जो, सबको जोड़ने वाला जो सूत्र है वह है एंटी हिंदुइज्म। और ये इतना आसान इसलिए हो गया है इसको चलाना, क्योंकि इसको चलाने वाले
95% लोग हिंदू परिवारों में ही जन्मे हुए लोग हैं, वे अपने आप को वामपंथी कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, गांधीवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं, माओवादी कहते हैं, लेकिन हैं सारे के सारे हिंदू। इस अर्थ में कि क्रिश्चियन मिशनरीज उनको हिंदू समझते हैं, इस्लामिस्ट उनको हिंदू समझते हैं, वो अपने आप को कुछ भी समझे। और इसका एक हाल का प्रमाणिक उदाहरण कश्मीर है। कश्मीर में जितने प्रोग्रेसिव थे सब हिंदू थे, जो वही भाषा बोलते थे जो सेकुलरिज्म की है, नेहरूइज्म की है, कम्युनिस्टों की है, सेकुलरिस्टों की है। और जब ये जिहाद का दौर दौरा शुरू हुआ तो वो सारे लोगों को हिंदू समझ करके और सही समझ करके इस्लामियों ने उनको भी ख़त्म किया या उनको भी मार के भगाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो हिंदू है ये वास्तव में एथेइस्ट है या लेफ्टिस्ट है या सेकुलर है या नेहरूइस्ट है। उसके लिए सारे लोग जो भी इस्लामी नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, वो सब हिंदू, सब काफिर है। यही चीज़ चर्च का भी है। जो भी चर्च में नहीं है, जो भी कैथोलिक नहीं है या जिस चर्च संप्रदाय का नहीं है, उसको वो हीथन मानते हैं, उसको अपना वो एक तरह से एनिमी मानते हैं, एडवर्सरी मानते हैं। तो हमारे लेफ्टिस्ट, हमारे सेकुलरिस्ट, हमारे गांधीयन, हमारे नेशनलिस्ट, सही, जो भी अपने आप को जो भी समझे, जो उल्टा खेमा है, नॉन हिंदू खेमा है, वो उन सबको हिंदू ही समझता है और अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करता है या करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी जब इस देश में हिंदुओं का एक तरह से प्रभुत्व है, प्रशासन में, शिक्षा में, मीडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज में 90% हिंदू हैं, तब ये हिंदू पत्रकार, हिंदू नेता, हिंदू लेखक, हिंदू प्रोफेसर, हिंदू न्यायाधीश, ये दिन रात हिंदू विरोधी काम करते हैं, हिंदू समाज और हिंदू धर्म की जड़ कमजोर करते हैं और इसमें गौरव महसूस करते हैं। इस पुस्तिका की, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका महत्व यही है। ये इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि कैसे ऐसा होता है। और जेपी वाला जो उदाहरण उनका है 1959 वाला, वो दुर्भाग्य से 2022 में भी सही है कि हमारा हमारा सर्वोच्च न्यायाधीश या सर्वोच्च ऑफिसर, सर्वोच्च सांसद, सर्वोच्च अधिकारी, वो मजे से ऐसी बात बोलता है जो निराधार है, जो गलत है, हानिकारक है, और वो ठसक से समझता है कि दूसरों को उसका आदर करना चाहिए और बिना उसकी जांच पड़ताल किए वो उन्हीं अवधारणाओं को चलाता है। तो ये राजनीतिक भाषा की शक्ति है। जी, सेकंड पॉइंट जो उन्होंने दिया था कि एवरी हिंदू पॉलिटिशियन और पेन पुशर हु एस्पायर्स टू पास द टेस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हैज टू सेलिब्रेट द प्रॉफिट्स बर्थडे विद फैनफेयर एंड थ्रू एन इफ्तार डिनर एट द एंड ऑफ रमजान। तो हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति यही रोज रोज कहते हैं, तो अफसर भी लोग क्या करेंगे, अफसरों को तो पालन करना ही है। जब हमारे पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं तो अफसरों के लिए कोई और गुंजाइश नहीं है, वो चुप रह सकते हैं, लेकिन जिनको आगे बढ़ना है वो चुप रह के भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए उनको भी बोलना पड़ता है। और हो सकता है वो विश्वास भी करते हो, जब जेपी वही कह सकते थे, जब नेहरू वो कह सकते थे, गांधी वो कह सकते थे बिना जाने, तो फिर ये बेचारे अफसर किस खेत की मूली है। ये तो कुछ एक छोटी सी परीक्षा पास करते हैं और उसके बाद वो सारी जिंदगी जो उनको ऊपर वाले कहते हैं वो उसको पूरा करते हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं है। तीसरा है कि तीसरा जो टेस्ट है कि अटेंड उर्स ऑफ सूफीज एंड उर्दू मुशायरास, ये भी अभी तक तो लगभग वैसा ही है, हालांकि थोड़ा इसमें कमी आई है पहले के मुकाबले में यदि हम देखें। कहा कि ये जो कमी आई है नहीं आई है, ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षित वर्ग इतना ज्यादा बंट गया है कि कोई सामान्य मंच नहीं है जहाँ पर इस बात की जांच हो सके, जहाँ पर हर तरह के विचार के लोग इकट्ठा बोल सके, ऐसा कोई मंच नहीं है। और इसको कोई बनने नहीं देता, न वामपंथी बनने देते हैं, न दक्षिणपंथी, न ये संघ भाजपा के समर्थक बनने देते हैं, न मिशनरी बनने देते हैं, न इस्लामी बनने देते हैं, न गांधीवादी बनने देते हैं। सब लोग अपने अपने गुट में रहते हैं, इसीलिए कभी कभी भ्रम भी उनको हो जाता है और सबको हो जाता है, जिसमें हम लोग भी हैं, कि लगता है कि ये बात बहुत फैल गई है। उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में कितनी फैल गई है, क्योंकि कोई डाटा तो है नहीं, कोई रिसर्च होता नहीं है,
कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ सारी बातें रखी जाए। जी सेकुलर बुद्धिजीवी की भी बात है और जहां एक हिंदू बुद्धिजीवी की भी बात है, तो ऐसा कोई मंच भारत में अब नहीं है। केवल एक पूर्व वामपंथी ने सेमिनार को बनाया था, लेकिन वो भी कभी बन नहीं पाया, वो भी लेफ्टिस्ट ही बना रह गया। तो इस कारण मैं सिर्फ ये डाउट कर रहा था कि वास्तव में कितना प्रभाव है हम नहीं जानते। ठीक बात है। चौथा पॉइंट जो दिया था कि ही शुड सपोर्ट द क्लेम ऑफ उर्दू टू बी अ सेकंड स्टेट लैंग्वेज इन ऑल स्टेट्स वेयर मुस्लिम्स आर इन अ माइनॉरिटी। ये भी वही पांचवा है चीज है, एक तरफ जी। कहा जाता है कि भाषा को रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, भाषा तो सबकी होती है, संस्कृति तो सबकी होती है, देश सबका होता है, और दूसरी तरफ जब जो भी इस्लामी मामला है वहां पर ये सारे सिद्धांतों को छोड़ दिया जाता है। अब कायदे से उर्दू सिर्फ ये दिल्ली यूपी के बीच के पैदा हुई भाषा है, लेकिन इसको पंजाब में भी थोपा गया, कश्मीर में भी थोपा गया, और ये तमिलनाडु आंध्र हर जगह इसको थोपा जा रहा है, जबकि इसका उस समाज से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध इस्लाम से है। और उस हिसाब से ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है कि आप रिलीजन के आधार पर भेदभाव करके एक भाषा को क्रिएट कर रहे हैं। बाकी सभी भाषाएं सभी धर्मों वालों की है, लेकिन उर्दू को एक मजहब की भाषा बना दिया गया है, जो कि वास्तव में ये थी नहीं, है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर उसको थोपा जा रहा है। एडमायर व्हाट एवर पासिस फॉर इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। छठा है, रेलिश मुस्लिम कुकिंग एंड अप्रिशिएट मुस्लिम ड्रेस एंड डिमीनर। ये तो आज भी भरे पड़े हैं कि हमें उन्होंने आके खाना सिखाया। कोई बोलते हैं कि उन्होंने कुजीन तो मुगलों ने आके सिखाया हमें, नहीं तो हमें तो कुछ आता ही नहीं था। और सातवां है, अब्यूज इजराइल एंड अप्लॉड अरब कंट्रीज। ये अभी भी हो रहा है, सब कुछ अभी सेकंड भी हो पार्ट रहा ऑफ है, इट। देखिए जी सब कुछ अभी भी हो रहा है। देखिए ऐतिहासिक रूप से जो समाज और देश है ना, वो इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं। हम आप एक व्यक्ति जरूर जल्दी जल्दी जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन ये राष्ट्र और विचार, शिक्षा, संस्कृति, ये सदियों लगातार बहुत बिना बदले चलती है। और भारत में राजनीतिक भाषा, राजनीतिक संस्कृति पिछले 100 सालों में मूलतः नहीं बदली है। पार्टियां बदली हैं, व्यक्ति बदले हैं, कुछ मुहावरे बदले, मुहावरे भी शायद बहुत कम बदले हैं, जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी जी, अब्यूज ऑफ इज़राइल कम हो गया है। वो भी ज्यादा नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो स्वयं यूरोप, अमेरिका में इसराइल अब्यूज पहले से कुछ बढ़ ही गया है। इधर जी अगर आप इंटरनेशनल न्यूज या घटनाओं पर कि छानबीन करें तो और ये श्री अरविंदो ने 1934-35 में ही कहा था कि एक सीमा के बाद ये यहूदियों को अपने हाल पर छोड़ देंगे। और आज जब यहूदियों पर अटैक पड़ रहा है, अभी अभी कल परसों न्यूज आया था, हाँ आप चेक कर सकते हैं, ये फिलिस्तीन का जो है अब्बास, वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के सामने वो इसराइल को मिटाने की बात कर रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति चुप रहे। ये वही वही बात है, यूरोप अमेरिका तक उसको डिफेंड नहीं करते हैं जो उसका एक पक्का एलाई रहा है, और जो अच्छी तरह जानते हैं कि वो माइनॉरिटी है, परसिक्यूटेड है, वो बार बार मार झेल चुका है, और खुलेआम उसको मिटाने की घोषणा ईरान आज से नहीं 20 साल से कर रहा है, लेकिन कोई ईरान की भर्त्सना नहीं करता कि एक पूरे के पूरे देश को वो जड़मूल से मिटा देने की बात ऑफिशियली करता है, और कोई उसकी भर्त्सना नहीं करता, भारत में भी नहीं करता। लेकिन भारत में इसलिए नहीं करता कि यूरोप अमेरिका में भी नहीं करते, भारत में इस जी। मामले में इसका भी असर है। और जो तीसरा सेक्शन है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अगर सेक्युलर बनना है तो किन चीजों को इग्नोर करना है। ही शुड ऑल्सो कीप क्वाइट और लुक द अदर वे व्हेन मुस्लिम्स ब्रीड लाइक रैट्स। सेकेंड है, रिफ्यूज टू गिव मॉडर्न एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। तीसरा है, पुश देयर वुमेन इन टू पर्दा, प्रैक्टिस पॉलीगमी, स्टार्ट स्ट्रीट राइट्स एट स्लाइटेस्ट प्रिटेक्स्ट,
अभी हो रहा है। Rejoice over every Pakistan victory and every Indian defeat in sports, and invite infiltrators from across the borders, and he should not whisper a word when Arab governments pour petrodollars and professional preachers of Islam in India in order to convert weaker sections. ये बदस्तूर वैसे क्या बात है? ये आखिरी बिंदु तो पहले से भी बुरा हो गया। जी। पहले तो हम कभी उनका ना ये पहले कोई नहीं कहता था कि उनके कहने के कारण हम ये कर रहे हैं। आज तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि चूंकि फलाने अरब देश ने ऐसा कहा, ऐसी नाराजगी व्यक्त की, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब तो हम एक अर्थ में ऑफिशियली उनके सामने झुक रहे हैं, जो पहले कभी नहीं था। तो एक एक बिंदु आज तक वैसे का वैसा है कि वैसे का वैसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट एक और जो तीसरा पॉइंट था इसमें कि पुश द वुमेन इनटू पर्दा, वो खुलेआम हिजाब को सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो सारा कुछ ये चल रहा है। और जो सेक्युलर प्रशासन है, जो सेक्युलर पूरे का पूरा तंत्र है, वो वैसे का शांत बैठा हुआ है। देखिए सब ये बिल्कुल सामान्य है, पूरे तंत्र को दोष देना व्यर्थ है। मैं समझता हूँ कि जो चीज आजादी से पहले गांधी जी और कांग्रेस के जो ऊपरी नेतृत्व है उनके लिए सही थी, वही चीज आज भी सही है। तो ऊपर के जो सर्वोच्च नेता हैं हमारे देश के, चार पांच या एक, जिस समय जैसी स्थिति हो, वो जो तय करते हैं वही नेशनल डिस्कोर्स बनता है। इसका कोई उपाय नहीं है। बड़े से बड़े ज्ञानी कुछ नहीं कर सकते। और इसका प्रमाण यह है कि गांधी जी के सामने टैगोर थे, श्री अरविंद थे, अंबेडकर थे, पता नहीं कितने ज्ञानी और थे, निराला थे, उनको वो दो कौड़ी का महत्व नहीं देते थे। तो वो स्थिति आज भी है। आज तो उस टैगोर और श्री अरविंदो की हैसियत के ज्ञानी विद्वान भी नहीं है, तो इनके इनको को महत्व क्यों देगा? और गांधी जी के पास तो पॉलिटिकल पावर भी नहीं थी, रिसोर्सेज भी नहीं थे, किसी को एक सीमा से अधिक दंड देने या इनाम देने की हैसियत नहीं थी। तब जब ये स्थिति थी उनकी, तो उनको इतना अहंकार था कि जो मैं समझता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, चाहे लाखों लाख लोग डिवास्टेट हो गए, कहीं उनको दोष नहीं दिया गया, बल्कि उनको उनकी महानता और बढ़ती गई। वही फिर नेहरू जी के साथ हुआ। तो ये एक अलग रोग है हमारे देश का, नायक पूजा या व्यक्ति पूजा, जिसमें किसी तथ्य अनुपात या घटना या परिस्थिति, सिद्धांत, किसी चीज का ध्यान नहीं रखा जाता। और एक अर्थ में ये हिंदुओं के विरुद्ध है, क्योंकि तो दूसरा कोई समुदाय इस तरह से ब्लाइंडली किसी एक लीडर या एक पार्टी के पीछे नहीं चलता। और यहाँ इसी हिंदू समुदाय को ही इसके लिए फोर्स किया जाता है। बल्कि ये संघ परिवार ने तो एक मुहावरा ही बना लिया है कि अगर आप उनकी आलोचना करते हैं तो आप एकता को तोड़ रहे हैं। तो मतलब है कि अगर आप एकता की बात करें तो एक पार्टी के पीछे हो जाए, वो कुछ भी करती रहे। तो इस अर्थ में ना इस्लामिस्ट ऐसा करते हैं, ना मिशनरीज ऐसा करते हैं, और कम्युनिस्ट भी ऐसा नहीं करते। चाहे अच्छा। वो चाहे भले, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। इस रूप में हिंदू विवश हो गए हैं, विवश कर दिए गए हैं कि वो कहीं नहीं देख सकते, उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कोई उनका अपना लीडर ही, उनका अपना दल ही, जो उन्हीं के बल पर सत्ता में आया, अगर ठीक उनके हितों के विरुद्ध काम कर रहा है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रहने नहीं दिया गया है। और अगर कोई उनकी आलोचना भी करते हैं तो आलोचना तक को चुप किया जाता है, जो काम मैं समझता हूँ कि किसी दूसरी गैर कम्युनिस्ट या गैर भाजपा पार्टी ने भारत में अभी तक नहीं किया था। तो वो अपने अंदर या अपनी आलोचना को इस तरह से बाधित करे, इस पर इतनी आंखें दिखाए, इतना नाराज हो, ऐसा तो मैं समझता हूँ कि जनता दल कांग्रेस में भी नहीं था, जो अभी है। जी। और इसमें उन्होंने लास्ट में एक चुटकुला सुनाया है, वो जाट और तेली वाला, ध्यान है आपको? हाँ बिल्कुल, जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट। हाँ जी। तो उसका भाव भी यही है, हालांकि कि भाई एक वो ये हरियाणा का है शायद, हाँ हरियाणा की कहानी है कि वो जाट जा रहा था तो किसी तेली ने उसके साथ मजाक किया, जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट। वो बेचारा गरीब जाट था, अपने सिर पर खाट लेके जा रहा था, उसने मजाक उड़ाया तेली ने, तो जाट बड़ा नाराज हुआ। उसने भी कुछ सोच के कहा, अरे तेली रे तेली तेरे सिर पर कोलू। तो तेली ने कहा कि भाई इसमें कोई तुक तो मिली नहीं, मैं
मैंने तो जो मिलाया उसमें एक तुक थी, जाट खाट इधर तेली में कोलू, ये तो मिला नहीं। तो जाट ने जवाब दिया कि मुझे तुक से क्या मतलब है, मैं तो चाहता हूं कि उस कोल्हू के भार से तुम पिस जाओ, ये मैं चाहता हूं। तो यही इस कथा को उन्होंने इसी रूप में किया है कि ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है, कम्युनल, सेकुलर, फासिस्ट, प्रोग्रेसिव, रिएक्शनरी, प्रोग्रेसिव, इन सब के अर्थ से हमको क्या लेना देना है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू समाज पर जितनी कीचड़ उछाली जाए उछाली जाए, इस्लाम का जितना महिमामंडन किया जाए किया जाए, कम्युनिज्म का, स्टालिन का, लेनिन का, सोवियत यूनियन का, माओ का जितना गुणगान किया जाए किया जाए। उसके लिए हमें किसी किसी तुक की, किसी फैक्ट की, किसी एनालिसिस की, किसी डेटा की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें उसका गुणगान करना है। हमें कम्युनिज्म का गुणगान करना है, हमें इस्लाम का गुणगान करना है, हमें चर्च मिशनों का गुणगान करना है, और हमें आरएसएस को निंदित करना है, हमें ये हिंदू साधु महात्माओं को निंदित करना है, ये सारे मंदिरों ब्राह्मणों को निंदित करना है, ये हमारा उद्देश्य। तो इस प्रसंग को उन्होंने इसी रूप में दिया था कि इसमें किसी तुक तारतम्य फैक्ट या दलील की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बनी बनाई लाइन को दोहराना है। और दुर्भाग्य से वो लाइन आज भी वैसे ही चल रही है, बल्कि कुछ मामलों में पहले से बुरी हुई है, जैसी जिसकी हम लोगों ने कुछ चर्चा आज की। जी जी अच्छा, ये जो जो लास्ट में ये जो चुटकुला है या जो हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसे वन लाइनर्स घड़ के, ऐसी शब्दावली घड़ के दबा दिया, कुचल दिया पूरे समाज को। तो तीसरा चैप्टर था सोर्सेज ऑफ लेफ्टिस्ट लैंग्वेज। वो बड़ा गंभीर चैप्टर है। मुझे लगता है कि वो उसी में वो पूरा इतिहास है कि कैसे 1857 के बाद यूरोपियन लिबरलिज्म ने वाइट मैंस बर्डन करके एक एक दिया कि भाई हम तो भारत को सभ्य बनाने आए हैं, मतलब अपने आप को ऊंचा और हिंदू समाज और भारत को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक शब्दावली गढ़ी। गोयल जी कहते हैं कि हिंदू समाज ने उसका साइलेंटली जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार किया, और ये दयानंद और ये बंकिम चंद्र, इन लोगों ने जो काम किया, धीरे धीरे हिंदू समाज के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक गौरव का सहारा लेकर के हिंदू समाज को अपने पैर पर खड़ा होना और यूरोपीय सभ्यता का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की कोशिश की, और उसमें वो काफ़ी सफल हुए। वामपंथी बहुत देर से आते हैं, वामपंथी आते हैं सोवियत यूनियन में, रशिया में कम्युनिस्टों के पावर में आने के बाद, लेकिन उससे पहले भी एक एपिसोड होता है, और वो है ये मुस्लिम लीग जब बनती है, और ये उस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, और ये बड़ा मार्मिक बिंदु है, मार्मिक और बड़ा दुखद बिंदु है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और मुसलमान उससे नहीं जुड़ते हैं। और एक तो अंग्रेज भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे क्या ये हिंदू लीडरों को कुछ आता जाता तो है नहीं, हालांकि उसको अंग्रेजों ने ही बनवाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, लेकिन उनके मन में हिंदुओं के प्रति, हिंदू लीडर्स के प्रति एक नीचा भाव था कि इनको आता कुछ नहीं है, ये लोग किसी काम के नहीं हैं। और जो दूसरी ओर मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से नहीं जोड़ा, ये कह करके कि हम तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकते, हम तुमसे ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो मुगल साम्राज्य के वंशज हैं, हम अंग्रेजों के साथ बराबरी कर सकते हैं क्योंकि वो भी पावर होल्डर हैं और हम पावर होल्डर थे, लेकिन तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो गुलाम थे, और तुम गुलाम हो तो तुम हमसे नीचे हो, तुम्हारे साथ हम कांग्रेस में शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि हम तुमसे सुपीरियर हैं। तब कांग्रेस के लीडरों ने वो हिंदू शब्दावली जो बंकिम चंद्र की थी, दयानंद की थी, और यहाँ तक कि जो पहला स्वदेशी आंदोलन था उसकी भी थी, लेकिन वो तो खैर बाद में आया, तब उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय कहना शुरू किया कि नहीं नहीं हिंदू नहीं है तो राष्ट्र की बात है, और राष्ट्र में तो आप भी हो। तो एक तरह से मुस्लिम लीडरों को जोड़ने के लिए उन्होंने अपने हिंदू भाव को छोड़ करके राष्ट्र नेशनलिज्म को लाने की कोशिश की, लेकिन उसका वही असर, उसका वही परिणाम हुआ कि मुस्लिम लीडर तो जुड़े नहीं, और यहाँ हिंदुओं को हिंदू भाव से धीरे धीरे दूर करने की शुरुआत हो गई। तो ये पहला टर्न था कि अपनी हिंदू शब्दावली को कांग्रेस के लीडरों ने छोड़ना शुरू किया नेशनलिस्ट कह के, और ये जब उसका अंतिम जिसको कहते हैं उसकी झलक, उस हिंदूवाद की या हिंदू शब्दावली की जिसमें बहुत पावर था, जिसमें पूरे देश के जगाने की शक्ति थी, वो स्वदेशी आंदोलन में था,
जो 1905 से 1909 तक चला, श्री अरविंद जिसके नेता थे, तिलक भी थे, लाल बाल पाल, उस समय अंतिम बार भारत में ये हिंदू शब्दावली के साथ, हिंदू भावना के साथ देश को जगाने का सफल काम हुआ था और वो आंदोलन सफल भी रहा था। लेकिन उसके बाद गांधी जी आ गए और उन्होंने उस पूरे हिंदू भावना पर एक तरह से ठंडा पानी डाल दिया और तब से उसको शुद्ध रूप से प्रो इस्लामी और हिंदू भाव को नीचे रखा गया और राष्ट्रवाद का वो एक गांधीवादी रूप आया। और उसके अगले चरण में आते हैं ये कम्युनिस्ट लोग। ये 1920 के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ जब रूस में कम्युनिस्टों ने सत्ता हासिल कर ली और वहाँ से वो शब्दावली इनकलाब, क्रांति, वामपंथ, दक्षिणपंथ, पूंजीपति, सर्वहारा, वर्ग संघर्ष, ये शब्दावली उसके बाद आई 1920 के बाद। वहाँ पर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम ये है कि जो चूंकि श्री अरविंद के बाद जो एक्टिव किस्म के लोग थे, एक्टिव रिवोल्यूशनरी गरम दल वाले, वो चूंकि गायब हो गए और गांधी जी ने आकर के जो उसमें जो थोड़ा सा भी जो उसमें जुझारूपन था उस पर और ठंडा पानी डाल दिया, उल्टी सुलटी बातें शुरू की, तो ये जो युवक लोग थे, गर्म मिजाज के लोग थे, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं अनाथ हो गए थे। उसको ये लेफ्टिज्म ने पकड़ लिया और उसको एक संयोग से मौका मिल गया कि चूंकि ये जितने षड्यंत्र केस हुए, मेरठ षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस, इन सारे षड्यंत्र केसों में उस तरह के लोग थे जो वामपंथ से प्रभावित थे, जिनको वो रूस में जो हुआ था उससे उनको लग रहा था कि कुछ नया और चमत्कारिक हो रहा है, कुछ कर्मठ, कुछ रिवोल्यूशनरी, कुछ एक्टिव काम हो रहा है। उन्होंने उन मुहावरों को शुरू किया और उनके जो उनकी जो अदालत में कार्रवाइयां वगैरह हुई तो उसमें इनकलाब, जिंदाबाद, क्रांति वगैरह, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इस तरह के लोगों का नाम भी आता है, अज्ञेय भी थे उस भगत सिंह वाले ग्रुप में, सच्चिदानंद बादशाह, तो उनके माध्यम से चूंकि जनता समझती थी कि ये तो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं या अंग्रेज विदेशी शासक हैं और ये हमारे हैं, तो उनके माध्यम से उन वामपंथी शब्दावली को एक लोकप्रियता मिली और फिर देश भर में ये जो जो देशी समाचार पत्र थे, राष्ट्रीय समाचार पत्र थे, उन्होंने उसको फैलाया और इस तरह से वंदे मातरम पीछे हो गया और इनकलाब जिंदाबाद आ गया और धीरे धीरे पूरी हिंदू भावना वाली शब्दावली, राष्ट्रीय शब्दावली, देशी शब्दावली चली गई और बिना परखे उन सारे शब्दावलियों को भारत के विमर्श में उच्च स्थान मिल गया और लेखकों, कवियों ही नहीं, गांधी जी और बाकी राष्ट्रीय नेताओं ने भी कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि ये जो हाईली टेक्निकल टर्म है, क्लास स्ट्रगल, क्लास, क्लास वार, कैपिटलिस्ट, सरप्लस वैल्यू, इंपीरियलिज्म, सोशलिज्म, इसका एक्चुअली मतलब क्या है और इसकी धार क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बिना समझे एक्सेप्टेड हो गई। और फिर नेहरू जी को पकड़ लिया एम एन रॉय ने, उनको यूरोप घुमाया और कम्युनिस्टों के कॉन्फ्रेंस में ले गए और नेहरू जी पहले ही हिंदू भाव से दूर थे, थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ यूरोप, वहीं इंग्लैंड में ही रहे थे और ज़्यादा वो राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय भावना से जुड़े भी नहीं थे। उन्होंने इसको, और वो भी एक्टिव किस्म के व्यक्ति थे, इमेजिनरी इमेजिनेशन, काव्यगत, काव्य रुचि वाले व्यक्ति थे, तो उनको भी ये नई नई बातें बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने पूरे मार्क्सिज्म को, जिसको कहते हैं हुक लाइन एंड सिंकर, पूरी तरह आत्मसात कर लिया। और फिर गांधी जी के प्रताप से, और चूंकि उनके पिताजी प्रभावशाली थे, इसके प्रताप से वो कांग्रेस के उच्च उच्च नेतृत्व में डायरेक्ट इंपोर्ट हुए और उनके माध्यम से कांग्रेस में ये पूरी समाजवादी कम्युनिस्ट शब्दावली अवधारणाएं स्थापित हो गई। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये बड़ा सारगर्भित है कि वामपंथी मुहावरों का जो स्रोत है उसकी ये पूरा इतिहास उन्होंने दिया है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि कैसे हमारी देशी धारणाएं, जो सही धारणा थी, जो हमारे देश के लोगों को जगाती थी और जो सार्थक भी थी और जो बहुत प्रभाव भी रखती थी, उसको हटा करके एक भारत विरोधी, विशेषकर हिंदू विरोधी सारी अवधारणाओं और मुहावरों को ये कम्युनिस्टों ने नेहरू जी के माध्यम से, फिर कांग्रेस के माध्यम से और फिर स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी स्वयं प्रधानमंत्री हो गए तो अगले 17 सालों में उन्होंने उसको पूरी तरह से शासन की, विमर्श की, मीडिया की,
ऑफिशियल लैंग्वेज की और संसद की भाषा में बदल के रख दिया। और चूंकि वो अगुआ थे इसलिए बाकी जो छिटपुट पार्टियां बनती रही जिसमें जनसंघ भी है सब पर उसी का प्रभाव पड़ा। तो गोयल जी बड़ी सटीक बात कहते हैं कि कम्युनिस्टों को तो पहचान लिया गया और जब कम्युनिस्ट लोग भीतर घात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस ने उनको निकाला और कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट लोग भीतर घात कर रहे थे सोशलिस्ट पार्टी में जिसमें वो लोहिया वाली जो सोशलिस्ट पार्टी थी जयप्रकाश नारायण वाली तो उसमें भी उन्होंने कम्युनिस्टों को बाहर निकाला। लेकिन गोयल जी कहते हैं कि कम्युनिस्ट भाषा को वो लोग नहीं निकाल सके क्योंकि इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने व्यक्तियों को हटा दिया लेकिन वो सारी शब्दावली वामपंथी कम्युनिस्ट शब्दावली वो आज तक एक तरह से इंटैक्ट है और सोवियत संघ के विघटन और कम्युनिज्म के पतन के बाद भी हमारे देश में उसका व्यापक प्रभाव है। और आप देख सकते हैं कि हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऑफिसर प्रोफेसर अभी भी वो कम्युनिस्ट शब्दावली का प्रयोग करते हैं प्रोग्रेसिव रिएक्शनरी कम्युनल सेकुलर और सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी और इसमें जो वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात लास्ट में इस चैप्टर में बोल रहे हैं कि जो भाषा है ये इम्पीरियलिज्म की भाषा और अब जब तक सनातन समाज इसको छोड़ के अपनी शब्दावली नहीं प्रयोग में लाएगा तब तक वो फंसेगा। अभी तक बचा इसलिए रहा क्योंकि बार बार जो राष्ट्रवाद है जो धर्म है वो उठ खड़ा होता है लेकिन बिल्कुल ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगा अगर अपनी शब्दावली। निश्चित निश्चित बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी मार्मिक बात है और उन्होंने सूत्र में एक गंभीर बात कही है और ये उन लफाजों के लिए ध्यान देने लायक है जो हमेशा वो कहते हैं कि नहीं नहीं सनातन धर्म तो शाश्वत है तो शाश्वत है तो शाश्वत को तो कोई खत्म ही नहीं कर सकता। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये शाश्वत तो रावलपिंडी में भी था शाश्वत तो ढाका में भी था शाश्वत तो मुल्तान में भी था। अगर वहां से हिंदू मिटा दिए गए तो दिल्ली बंबई लखनऊ में नहीं मिटाएंगे नहीं मिटा सकेंगे इसका कोई कारण नहीं है। वो मिट रहा है और हम आज देख रहे हैं कि जब जब उनके हाथ में पावर भी नहीं है तब जब एक हिंदू अपने मन की बात नहीं बोल सकता वैसी सही बात नहीं बोल सकता जो उनकी अपनी किताब में लिखी हुई है इस्लामियों की अपनी किताब में लिखी हुई है जो वो स्वयं अपने शिक्षा संस्थानों में पढ़ाते हैं वो बात भी अगर हिंदू उठा करके बोलता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। अगर ये आज की स्थिति है तो ये कहना कैसे संगत है कि इसको मिटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जो गोयल जी ने बात कही उसका हम आज विविध घटनाओं से प्रमाण पा रहे हैं जिसमें ये हाल का प्रसंग भी है नुपुर शर्मा वाला भी कि अगर आप उस भाषा के उन शब्दावली से लड़ते नहीं हैं उसको अनमास्क नहीं करते हैं उसको बेपर्दा करके उसकी जो घातक भूमिका है जो भारत में साम्राज्यवाद की और जिसमें तीनों साम्राज्यवाद है इसमें इस्लामी साम्राज्यवाद भी है इसमें कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद भी है और इसमें चर्च साम्राज्यवाद भी है तीनों छिपाते भी नहीं है हमको पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। तीनों कभी इसको इस पर संकोच भी नहीं करते कि वो दूसरे को नीचा समझते हैं उनको कन्वर्ट करना या खत्म करना ये उनका उद्देश्य है। वो माओ ने भी किया स्टालिन ने भी किया वो चर्च ने भी किया और इस्लामी स्टेट अलकायदा से लेकर के मुस्लिम लीग या जमात इस्लामी या कश्मीर में जितने भी जिहादी तंजीम है सब वो कर रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं बोलते भी हैं छापते भी हैं उनके डॉक्यूमेंट है वो संकोच भी नहीं करते। आप जब उनको फांसी पकड़ के फांसी देते हैं तभी वो कहता है कि नहीं अगर हमको मौका मिला तो मैं फिर वही करूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस से वो जिस हिंदू सभ्यता को मिटाने में लगे हुए हैं अगर उनकी ही शब्दावली के सामने झुक कर उन्हीं को अपना करके आप मीठी मीठी तरीके से सोचते हैं कि हम उनको प्रभावित कर लेंगे या हम उनको बदल देंगे या पता नहीं हम कुछ और चमत्कार कर लेंगे तो उनको ये भी नहीं ध्यान आता कि गांधी जी से बड़ा चमत्कारी कोई नहीं हुआ और गांधी जी से बड़ा विफल भी कोई नहीं हुआ। अगर और जितना बड़ा दांव जितनी बड़ी कीमत हिंदुओं की उन्होंने विभाजन मान लेने में और उसके बाद भी दी उतनी और कोई लीडर या पार्टी नहीं दे सकती। अगर उससे भी अगर उनको इतनी भी इज्जत नहीं मिली कि उनको कि उस पाकिस्तान में जिसको बनाने में उन्होंने योगदान दिया बड़ा योगदान दिया वहाँ उनकी उनकी राख उनकी भस्म तक प्रवाहित करने नहीं दी गई क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो तो काफिर को काफिर मानते हैं चाहे वो कितना भी बड़ा सेकुलर हो या लेफ्टिस्ट हो। लेकिन अगर वही प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं तो निस्संदेह ये बात बिल्कुल ठीक है सीताराम गोयल जी की चेतावनी
कि अगर इस भाषा को ठीक से पहचान कर उस देशवासियों को जागृत कर उसको छोड़ा नहीं गया तो ये हमको बचा नहीं, तो हम बचे हुए नहीं रह सकते। समय लग सकता है लेकिन वो हमें मिटा देगी। और ये सिर्फ भाषा की ताकत नहीं है, उस भाषा के पीछे जो धारणा है और उस धारणा के साथ जो कट्टरता है, जो नशा है जिसके पीछे कम्युनिस्ट संचालित होते हैं, जिस नशे से इस्लामी संचालित होते हैं, जिस नशे से मिशनरी संचालित होते हैं, उसको अगर आप तोड़ेंगे नहीं, उस नशे को, उस शब्दों के, उस धारणाओं के नशे को जिसमें काफिर है, जिहाद है, क्रांति है, हिथन है, ये सालवेशन गाजी है, हाँ सालवेशन है, ये सारे जो वर्ड्स हैं और ये जिसका उल्लेख गोयल जी ने किया और जो आज नए नए चल रहे हैं, इंक्लूसिवनेस, जेंडर, मेजोरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटी कंसर्न, ब्ला ब्ला, तो ये हमें समय के साथ मिटा देने की पूरी क्षमता रखती है। जी अभी 3 चैप्टर हुए हैं और 3 रहते हैं, तो या तो इसका एक भाग 2 करना पड़ेगा हमें, यदि जी आप अवश्य, हाँ जी। हाँ एक बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रश्न है जो मैं लेके आज का ये लाइव समाप्त करना चाहता हूँ ताकि हम सेकंड पार्ट में फिर आगे वहीं से चर्चा कर सकें। सुकृत राजकमल है, एज अ स्वयं सेवक सर, जो मैं आरएसएस में कमी देखता हूँ वो है अपने नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने में नाकामी और कल्चरल मार्क्सिज्म जैसे विषयों में क्लूलेस होना। ये तो बहुत भारी आपने सवाल कर दिया। आपका आप तो ये पहले पता कीजिए कि उनका नैरेटिव है भी क्या। उनकी जो पुस्तक पुस्तिकाएं हैं उसमें कोई नैरेटिव नहीं मिलता सिवाय सिवाय अपने नेताओं के गुणगान के, अथवा जो पुराने हिंदू योद्धा रहे हैं, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान और चैतन्य महाप्रभु, इस तरह की उनकी चर्चा के, ये कोई नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव उसको कहते हैं कि जो सामने घट रहा है, जो चल रही है, उनके बारे में आपका क्या एनालिसिस है, उसका क्या जवाब है। तो कम से कम मैं नहीं समझता हूँ कि आरएसएस ने कोई नैरेटिव बनाया है सिवा अपनी प्रशंसा के। आत्म प्रशंसा के अलावा आरएसएस के पास कोई नैरेटिव नहीं है। इसको तो वो ले ही जा रहे हैं और ये ले गए हैं तभी तो इतने सफल हुए। पूरे देश में जो उनके लोग हैं, उनकी संस्थाएं हैं, उनके संगठन हैं, वोट के चुनाव के समय काम करने वाले उनके कार्यकर्ता हैं, वो उसी नैरेटिव की तो पैदावार है। लेकिन वो नैरेटिव बहुत लिमिटेड है। वो नैरेटिव सिर्फ पार्टीबंदी का नैरेटिव है, हम या कांग्रेस, हम या फलाना, हम या फलाना। नैरेटिव इसको नहीं कहते हैं। नैरेटिव ये है जो सीताराम गोयल की पुस्तिकाओं में है, जिसके कारण उनकी एक दर्जन पुस्तिकाएं, पुस्तकें आज भी सबको प्रेरणा दे रही हैं। आप जाकर के पहले ये पता कीजिए कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को वो कौन सी पुस्तक है जो आज भी प्रेरणा दे रही है, जो उनके पुराने महापुरुषों ने लिखी, जो वाजपेयी ने लिखी, जो अडवाणी जी ने लिखी, जो उससे पहले उनके संघ के बड़े नेताओं ने लिखी, वो तो उनकी लिखी किताबें भी वो छिपा देते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं जो समझता हूँ वो ये कि उन्होंने कोई नैरेटिव बनाया ही नहीं है। वो गलत अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं कि हमारी बात लोगों तक पहुंची नहीं है। असलियत यह है कि उन्होंने कोई बात बनाई ही नहीं है सिवा अपना गुणगान करने के और लोगों को ये कहने के कि शाखा में आओ, जब तक शाखा में नहीं आओगे तो समझ नहीं पाओगे, जो शाखा में नहीं आएगा वो कुछ समझता नहीं है। ये पिटी पिटाए बातें जो 50 साल पहले थी वो आज भी वो कह रहे हैं। और इसीलिए उनके लोग किसी भी वास्तव में जब सब लड़ना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो उनको बाहर देखना पड़ता है। उनको यूरोप अमेरिका की ओर देखना पड़ता है, उनको वॉइस ऑफ इंडिया की ओर देखना पड़ता है, उनको नीरज अत्री जी और इस तरह के संजय जी की ओर देखना पड़ता है, क्योंकि उनके अपने लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चैनल आपके लोग भी तो चला सकते थे, इस तरह के प्रकाशन आपके लोग भी तो निकाल सकते थे, वो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास नैरेटिव नहीं है, उनके पास कहने के लिए बातें नहीं है। वो सिर्फ नारेबाजी और वो स्लोगन, जो एक तरह के, जो जिस तरह से चर्च की पुस्तिका होती है, जिस तरह से इस्लामिस्टों की का साहित्य होता है, उस तरह से उनका साहित्य है, बहुत लिमिटेड। फर्क इतना ही है कि इस्लामिस्टों के पास, कम्युनिस्टों के पास एक रियल स्ट्रेटजी है कि दूसरे को हमें खत्म करना है और अपने आप को बढ़ाना है। संघ की स्ट्रेटजी ठीक गांधी जी वाली है कि हमें दूसरे के मन को जीत लेना है, इतनी उदारता दिखानी है, इतना प्रेम दिखाना है,
इतनी भलाई दिखानी है कि अंत में वो पानी पानी होकर के हमारे साथ हो जाएगा। और ये बच्चों जैसी बातें हैं, ये बच्चों जैसी बातें हैं। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद, इस्लामी साम्राज्यवाद, इन दोनों ने पिछले 100 सालों में दिखाया है कि उसके सामने व्यक्तिगत भलमनसाहत या सामूहिक भलमनसाहत की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य उससे बड़ा है। जब तक संघ परिवार भी अपना उद्देश्य बड़ा नहीं बनाएगा, अपनी पार्टी और अपने संगठन से ऊपर देखना नहीं सीखेगा, तब तक वो नैरेटिव ले जाना, तब तक वो नैरेटिव का अर्थ नहीं समझ सकता। कल्चरल मार्क्सिज्म उसने एक वर्ड सुना है, उनको तो मार्क्सिज्म पता नहीं है, कल्चरल मार्क्सिज्म तो दूर की बात है। नहीं तो आप देख करके बताइए कि किस वाजपेयी से, उतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे, कवि थे, प्रबुद्ध भी थे, उनके भाषण से उतने लोकप्रिय थे, उन्होंने कहाँ पर नेहरूवाद का या कम्युनिज्म का या इस्लाम का कौन सा एनालिसिस किया है जिसको कि आप अपने कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं, और उनसे बड़ा आपका कौन सा नेता हुआ? कोई नहीं। उनकी तुलना में कम्युनिस्टों के, इस्लामिस्टों के छोटे छोटे जो नेता या प्रचारक हुए हैं, उन्होंने सुसंगत पुस्तिकाएं लिखी हैं जो आज भी उनके लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्षमा कीजिएगा, संघ के लोगों को गंभीरता से पुनर्चिंतन करना चाहिए, नहीं तो वो अपने आप को और देश को और हिंदू समाज को, तीनों को खतरे में डाल रहे हैं। जी, व्लादिमीर द हैंडसम टर्मिनेटर, हिंदू वैचारिक संघ बने जो कि जबरदस्त नैरेटिव जारी करे, फिर वही संघ। अरे संघ से नैरेटिव नहीं बनता, लोग बनाते हैं नैरेटिव, लोग बनाते हैं नैरेटिव। नैरेटिव के लिए थिंकर होना चाहिए। अकेले सीताराम गोयल ने ये काम किया जिसकी हम आज भी चर्चा कर रहे हैं। कौन सा संगठन उनके पास था, कौन सी पार्टी उन्होंने बनाई थी? और सीताराम गोयल के समय में जो संघ के बड़े बड़े महापुरुष थे, उनका आज संघ में भी कोई नाम लेने वाला नहीं। यही स्थिति दूसरों की भी है। जो थिंकर्स होते हैं वो, या जो विचारक होते हैं, जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो विचार को बनाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के विचार के हों। संगठन विचार को फैला सकता है, संगठन विचारों से लाभ उठा सकता है, संगठन अपने आप में विचार पैदा नहीं करता। ये तो पूरे कम्युनिज्म के अनुभव से आपको सीखना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे सोवियत यूनियन, रशिया जैसी विशाल रिसोर्सफुल देश पर कब्जा किया, उन्होंने हजारों किस्म के संगठन बनाए, हजारों किस्म की संस्थाएं बनाई, लेकिन वो विचार नहीं बना सके, क्योंकि उनके पास जो लिमिटेड विचार थे, वो जब बैंकरप्ट साबित हुए तो उनके पास कोई नया विचार नहीं आया। उनके पास संगठन तो सबसे बड़ा था, सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पावरफुल पार्टी थी, सबसे रिसोर्सफुल पार्टी थी, यूनाइटेड नेशन में उसके पास वीटो पावर थी, दुनिया की सबसे बड़ी का भूभाग था, रिसोर्सेज था, उसके बाद भी वो कोलैप्स कर गई। देखिए, ये विचारों की बात जो है, इसको संगठन से दूर रखिए। विचार विचार होते हैं, एक व्यक्ति विचार दे सकता है, चिंतन सामूहिक नहीं होता, चिंतन एक व्यक्ति का होता है, वो गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है, विचार विमर्श करके जो सही हो उसको लेके लोग बढ़ते हैं। यही सारी दुनिया में विचारों के फैलने का तरीका है, और वो आज भी वही है। वो गलत विचार भी फैलते हैं अगर वो पावरफुली रखे गए, और अगर उनको सहारा मिल गया, अगर उसको संगठन फैलाने लगा, जैसे इस्लाम है, जैसे कम्युनिज्म है, जैसे ये चर्च क्रिश्चियनिटी है, इसको संगठन फैलाता है, वो नया नए विचार नहीं करता। लेकिन ये जो भाव है कि संगठन होनी चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए, ये सिरे से गलत है। मेरा सुझाव ये है कि जो विचार पहले से मौजूद है, जैसे उदाहरण के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम की समालोचना प्रस्तुत की, जो सीताराम गोयल ने कम्युनिज्म की समालोचना प्रस्तुत की, या भारत ये पॉलिटिकल पार्लांस की समालोचना प्रस्तुत की, जो रामस्वरूप जी ने कॉम्पिटिटिव रिलीजन की समालोचना प्रस्तुत की, वो पर्याप्त है अपने आप में। उसको पहले पूरे देश में या अपने शिक्षा जगत में, मीडिया में फैला के तो आप देखिए, आपको किस कमेटी की जरूरत है। ये फैलाएं, आपको अपने आप नए नए वैचारिक योद्धा पैदा हो जाएंगे, नए नए थिंकर पैदा हो जाएंगे जो उसी को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन ये एक फेटिश है कि पहले एक संगठन, एक कमेटी और एक संस्था बननी चाहिए। वो और ऐसी पचासों नहीं, सैकड़ों संस्थाएं संघ परिवार चला रहा है जो कुछ भी पैदा नहीं करता, लेकिन वो एकेडमिक संस्थाएं हैं, उसके संगठन हैं, उसकी भ्रमण है, उसके प्रकाशन हैं, यहाँ उसके अधिकारी हैं,
कमी क्या है, वो एक भी विचार पैदा नहीं करते, वो एक भी विचार नहीं देते, वो एक भी ऐसा व्याख्यान नहीं देते जिससे लोग जागृत हो। वो अपने बारे में व्याख्यान देते हैं, या कांग्रेस की निंदा में, या कम्युनिस्टों की निंदा में, या मिशनरियों की निंदा में, जो हजारों सैकड़ों साल पुरानी बातें हैं उनकी निंदा करते रहते हैं। अभी जो सामने हो रहा है उसके बारे में बोलने के लिए उनके पास एक पैराग्राफ उनके किसी व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिए कमेटी को भूल जाइए, जो उपलब्ध विचार हैं और जो आज भी काम आने लायक हैं, जिसमें वॉइस ऑफ इंडिया का लिटरेचर सबसे मैं समझता हूँ कि रिसोर्सफुल है अभी भी, हालांकि अब वो पुराना पड़ रहा है, अब वो पुराना पड़ रहा है, फिर भी उसमें बहुत सारी इतनी चीजें हैं जिससे आप नए योद्धा बना सकते हैं, नए थिंकर, नए एक्टिविस्ट, नए राइटर, नए आर्गुमेंटेटिव लोग बना सकते हैं, लेकिन उसको फैलाने की जरूरत है। उसके लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, रिसोर्स की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। जी, समापन की ओर चलते हैं, क्योंकि इसका फिर हम सेकंड पार्ट में आगे चर्चा करते हैं। जी अवश्य जी, सभी दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से शंकर शरण जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद समय देने के लिए, और आपका भी आभार। जी जी, इतिश्री की ओर चलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।